हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, हम कर रहे हैं DSSB PRT का प्रीवियस ईयर पेपर, जो 29 अक्टूबर 2017 को हुआ था। इससे पहले हम रीजनिंग एंड GK पोर्शन कर चुके हैं। आज हम करेंगे मैथ्स, यानी कि अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए क्या करें, बेल आइकन को दबाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनको हम किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते, सिवाय एक। ठीक है, तो 101 हम नहीं कर सकते स्वयं से, यानी कि खुद से, या एक से ही वो भाग होंगी, वो होती हैं भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो ये होगी 103, 137, जबकि जो 141 है वो 3 से भाग हो रही है। ठीक है, 3 × 12, 3 × 7, 21, यानी कि 47 इसका हो रहा है, भाज्य आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक्स का मान है, खाली स्थान दिया है यहाँ पर, इसको फिल करना है, जहाँ एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू सभी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें अभाज्य संख्याएं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे करेंगे ये वैल्यूज़ पहले हम पुट करके देखते हैं। 0 पुट किया, 0, 1, 2, तो हमारी ये सभी क्या हो गई, अभाज्य तो नहीं हुई। अभाज्य देखना है ना हमें, यहाँ पे 2 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम 1 रखते हैं, 1, 2, 3, तो फिर यहाँ पे 2 आ गया हमारा। देन 2 रखते हैं, 2, 2 + 1, 3, और 2 + 2, 4, फिर 4 हमारा भाग हो रहा है यहाँ पे, फिर हमारा आ रहा है 3, 4, यहाँ पे 4 फिर हमारा भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एक भिन्न के अंश और हर का योग, यानी कि भिन्न हमारी होती है जहाँ पे हर और अंश दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर हमारा होता है अंश और नीचे हमारा होता है हर। यहाँ पे दिया गया कि अंश और हर दोनों का जोड़ हमारा 14 है। तो अगर हम अपनी यहाँ संख्याएं देखें तो सभी का जोड़ हमारा क्या रहा है, 14 रहा। 11 और 3 = 14, 13 और 1 = 14, 9 और 5 = 14, 5 और 9 = 14। अब हमें करना क्या होगा, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब हम यहाँ पर रखते हैं, मान लो यहाँ पर एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ दिया हमने 3 में, और हर में से 3 घटा दिया जाए, 11 में से हमने 3 माइनस कर दिया, तो क्या हो जाता है, यह है एक हो जाता है। भिन्न कौन सी है, यानी कि जब हम ऊपर एक जोड़ते हैं, सॉरी, हाँ, एक जोड़ते हैं और नीचे 3 घटाते हैं, तो हमारा एक बचता है, यानी कि ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू होके वो कट जाएगी और आंसर क्या होगा, एक होगा। तो हम वैल्यूज़ में पुट करते हैं, जबकि हमें नियर बाई ये दिखती है, देखिए इसको यहाँ देखते हैं ऑप्शन हम 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 6, प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे हमें करना है 3 घटाना है 9 में से, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से 6 कट के हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 6 से 6 कट के हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 5/9। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। 9 संख्याओं के एक समूह का औसत 68 है। ठीक है, यहाँ पे 9 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया है हमें 68। यदि एक संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि परिवर्तित कर देते हैं, एक निकाला हमने और दूसरा वहाँ पे डाल दिया, तो औसत में परिवर्तन आता है हमारा 72 का। तो जब हमें नई और पुरानी संख्या का अंतर देखना होता है, तो हम क्या करेंगे, इस औसत में से ये माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी संख्याएं क्या है, सेम है ना, इक्वल है, 99। यहाँ पे 72 माइनस 68 करेंगे तो हमारा होगा 4। ठीक है, और कुल संख्याएं हमारी कितनी है, देखिए यहाँ पे अगर औसत पूछा होता तो हम सीधा आंसर देते 72 माइनस 68, आंसर होता हमारा 4। लेकिन यहाँ पूछा है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर जानने के लिए हमें संख्या निकालनी होगी। जैसे हमारा औसत आया 4, उसी तरह से संख्या आ जाएगी हमारी, इसको 9 से गुना कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 36, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन डी 36। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 72 में से 68 माइनस किया तो हमारा औसत आया 4। पूछा है यहाँ पे संख्या, तो इसके लिए हमें संख्याओं से इसको औसत को गुना करके आंसर 36 आएगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इन संख्याओं के बीच का क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक धनराशि ए बी और सी तथा डी के मध्य अनुपात दिया है हमें 5, 2, 4 और 3, इस अनुपात में बांटी गई है। यदि सी को डी से 2000 रुपये अधिक मिलते हैं, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दे दिया कि डी से सी को 2000 रुपये अधिक मिले हैं। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है हमें, पहले हम इनका डिफरेंस कर देते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, देन सी और डी। ठीक है, ए को मिला 5, बी को 2, सी के 4 हैं और डी के 3 हैं। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो 4 - 3 अगर करते हैं हम तो हमारा 1 आएगा, और ये 1 हमें इक्वल दिया है 2000 के, यानी कि जो एक है इसकी कीमत है 2000 रुपये। अब हमें बी का पार्ट पूछा है, तो बी का हमारे पास 2 है, तो 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 4000 रुपये। अगर यहाँ यहीं पे ए का पूछा गया होता तो फिर 5 को हम, क्योंकि ए का पोर्शन कितना है 5, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते 2000 से, तो 5 × 2 = 10, तो 10000 हमारा आंसर होता। इसी तरह से अगर डी का पूछा होता तो 3 से 2000 की मल्टीप्लाई कर देते और हमारा आंसर आ जाता 6000 रुपये, जबकि यहाँ पे पूछा गया है हमारा डी का भाग, बी का भाग हमारा होगा 2 से 2000 के गुना करेंगे तो आंसर हो गया 4000। देखिए यहाँ पे हमने सीधा 2000 से ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दिया, डायरेक्ट ना करके बल्कि क्या किया हमें, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंस बताया ना कि सी को डी से अधिक, तो सी और डी के बीच का जो अंतर निकला ना उसी से मल्टीप्लाई किया है हमने 2000 को। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 दिया है और वो 1 2000 के बराबर है। अगर डिफरेंस 2 दिया होता तो 2000 के बराबर होता, फिर हमें 1 निकालना पड़ता जो कि 1000 के बराबर होता। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये समझ आ गया होगा आपके, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। ए बी स्क्वेयर के अनुक्रमानुपात में है, ठीक है, यानी कि ए रेसिप्रोकल है बी स्क्वेयर के, जहाँ पर बी इक्वल्स टू 2, ए इक्वल्स टू 8, तो ज्ञात कीजिए बी बराबर है 5। ए ज्ञात करना है अगर बी 5 के बराबर है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं ए वन अपोन ए टू, क्योंकि हमें दूसरा ए निकालना है, इक्वल्स टू बी वन अपोन बी टू का क्या है स्क्वेयर के इक्वल है। ए हमें क्या दिया है 8 दिया है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 8, ए वन की जगह पे हम 8 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 रखा हमने, अच्छा ए टू हमें निकालना है, बी की जगह हम रखेंगे क्या क्या दिया है इन्होंने 2 दिया है, और दूसरे वाले बी की जगह दिया है इन्होंने 5। ठीक है, यहाँ पे हम 5 रखते हैं, 8 / a2 = 2/5 का होल स्केयर। अब अगर इसका होल स्केयर हम खोलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 / a = 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 25। इससे ये कट हो गया 2 4 2 = 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 25 × 50 बराबर है a2, और हमसे यही पूछा है कि a का मान क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, a का मान हमारा निकलेगा 50। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है और कर्ण 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समकोण होता है इस तरह से, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसका आधार है 4 मीटर और कर्ण है इसका 5 मीटर हाइपोटन्यूज, तो हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना होगा। परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, 5 5 = 25 + 4 = 16 माइनस, हाइपोटन्यूज से इस बेस को माइनस करेंगे तो 25 में से 16 गया 9 बचा, 9 का स्क्वेयर रूट करा तो 3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो एरिया देखते हैं हम, एरिया ऑफ द
ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू एल इंटू बी, यानी कि ये हो गया हमारा 4 × 3, तो 2 × 2 = 4 और 3 × 2 = 6 हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 6। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। देखिए परिमाप की बात की गई है, आयत का परिमाप, सबसे पहले तो हमें आयत के परिमाप का फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है हमारा 2 × L + b। ठीक है, और ये इक्वल दिया है किसके, ये हमें इक्वल दिया है 200 के। ठीक है, अब ये हमारा कट गया तो एल प्लस बी हमारा आ गया इक्वल्स टू 100। ओके, देन यहाँ पे चौड़ाई दी है, ब्रेड दी है इसकी 40 मीटर, तो एल प्लस यहाँ पे हम 40 रख देंगे इक्वल्स टू 100, तो एल हमारा आ जाएगा 60, एल है 60, बी है 40, एल इक्वल्स टू 60, बी इक्वल्स टू 40, देन एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, और एल इंटू बी क्या हो गया 60 × 40 = 2400, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 48 का आंसर है ऑप्शन बी, 60 × 40, एल इंटू बी 60 × 40 = 2400। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। 5 × 625 का स्क्वायर 0.25। ठीक है, अब इसको हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी, तो हमें इसको पावर में कन्वर्ट करना होगा। 625 को हम पावर में लिखेंगे 5^4। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5^4 और इसकी पावर आ जाएगी हमारी 2.25। जब इसको करेंगे हम तो क्या होगा, ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा ना इसके, तो 25 × 100 और 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 5^5 होगी, तो 5 × 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है हमारा 50। कौन सी संख्या n n+1 n+2 के रूप में लिखी जा सकती है? तो देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस से देखना पड़ेगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारी क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। इसमें एक हमारा सीक्वेंस बन रहा है, देखिए 1 1+2 और 1 1 1+2 1 2 और 3, तो 3 × 2 = 6 नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 2+3 2+2, यानी कि 2 2 2+1 हो जाएगा 3 एंड 2+2 हो जाएगा 4। अब देखिए 4 × 3 = 12 × 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन क्या होगा? देखिए 2 वर्ष की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष की बात की गई है ना, तो 2 वर्ष में हमें 300 रुपये, तो 1 वर्ष में हमें मिल रहे हैं 150 रुपये। ठीक है, और दर है हमारी 3%, तो 3% किसके इक्वल हो गया, 150 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मूलधन निकालना है, जो कि मान ले 3% 150 के बराबर है, तो 150 नहीं, यहाँ पे 50 आएगा, 3 से ये वो हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो 1% हमारा 50 के बराबर आएगा, तो 100% हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 5000। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। 12000 रुपये की एक राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह है कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमें क्वांटिटी पूछी है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व भी किया गया है, 5 वर्ष पर दोगुनी, तो 20 वर्ष पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं हम, 5 का और इसका 20 का रिलेशन है 4 का, और यहाँ पे 2^4 अगर हम करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16, तो ये हमारा
16 आ जाएगा। अगर पूछा गया कितनी गुनी होती, अगर क्वेश्चन इस रूप में पूछ लिया जाता कि 12,000 रुपये की एक राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह है कितनी गुनी होगी, तो हमारा आंसर होता है 16 गुनी। लेकिन यहाँ पे पूछा है, राशि पूछी है, यानी कि रुपीज़ के कन्वर्ट करके पूछी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12,000 का 16 गुना कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारा इसको 16 से 12,000 को गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 1,92,000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1% से बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे आर बड़ी है हमारी 1%, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 / 100, 2 / 100, ये हमारा 50 हो जाएगा और ये 2 है ही, तो 100 + 100 200 / 2/100, तो 202/100, तो ये हो जाएगा हमारा 2.01। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। 15 सेबों का क्रय मूल्य 20 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 ये आ जाएगा CP of 15 किसके इक्वल है, SP of 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं उस तरह से अगर करेंगे हम, तो CP upon SP = 20/50 आ जाएगा। तो ये हमारा आया था यहाँ पे 20/15। अब इसका हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हम जो कॉस्ट खरीदते हैं वो उस पे खरीदते हैं ना, सीपी पे, तो ये हमारा इनका डिफरेंस हो गया 5, यानी कि हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला 5 का। 5 कितने पे, 20 पे, इनटू 100, 20 × 100 और हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर इज 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, यदि √3 power 5 and 9 power 2 देन 3 power 9 × 3√3 किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 3√3 करते हैं, 3√3 power 5 को अगर हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3√3 × 3 हो जाएगा, 3 power 4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन इक्वल्स टू ये हमारा 3 power n × 3√3। अब 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचा 3 × 3 power 4 = 3 power n। एक तो ये है पावर और एक ये है 1, तो 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, तो 3 power 5 = 3 power n, तो 3 ये n किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 08 की बार। देखिए जब भी बार आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 10 में से उतना ही माइनस कर देते हैं जितना ऊपर ये लगा होता है, बार लगा होता है, जैसे ये यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9, ठीक है। जितने बार है उतनी ही पावर हम यहाँ लगा देंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8/9। अगर यहाँ पे डबल होता तो क्या करते हैं हम, 8/99, ठीक है इस तरह से। लेकिन यहाँ पे सिंगल पे बार है, तो फिर एक ही यही आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे हमें इसका स्क्वेयर रूट हटाना होगा। देखिए यहाँ पे 121 कितने का होता है, 11 का, तो ये हो गया हमारा 1.1 माइनस 01 हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 58, उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि 200% इक्वल्स टू 90, ठीक है, इससे ये काट देंगे, ठीक है, 20% 9 हो गया, तो 80% कितना होगा, इसमें क्या रिलेशन है, 4 का मल्टीपल है और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा 36, यानी कि 36 का 80% एक्स का 80% 36 होगा जबकि उसका 200% 90 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का HCF दिया है हमें 10 और LCM दिया है हमें कितना 45। अब हमें इसका गुणनफल निकालना है, तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा संख्याओं का गुणनफल भी होगा, तो हमारा आंसर होगा 450, जबकि ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है। हम निर्धारित तो कर सकते हैं लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं हैं, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं। हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जहाँ पे दिया गया है 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है। तो हमें इनमें से एक एक ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करके चेक करना होगा। सबसे पहले हमारे लिए इजी होता है, हम 11 का देखें, 11 का सेलेक्ट करना इजी होता है, तो चलिए देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हम सी में देखते हैं 11 से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 5 और 4 9 और 7 और 2 9, यहाँ पे 0 बन रहा है तो नहीं हो रहा है। 6 और 8 14, 9 और 9 18, यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे 0 होगा इट मीन्स वो 11 से डिविजिबल है। 8 और 1 9, 5 और 9, ये भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और अब देखते हैं 6 2 6 4, तो 4 2 6 6 6 12, ये नहीं है, तो ये हमारे दो आंसर कट जाते हैं। अब हमारे बचते हैं दो आंसर, यानी कि ये आंसर हमारे खाली हो जाते हैं। अब इनमें से देखेंगे हम, इस तरह से इसको डिवाइड करके देखते हैं एक बार और हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, एंड अपनी तैयारी जारी रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।